रवीश कुमार टीवी जगत का जाना पहचाना चेहरा दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने विचारों के जरिए प्रभावित करते हैं। कहने को निष्पक्ष हैं पर ये न्यूट्रल और निष्पक्ष असल में हैं कितने ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं है। दो चार दिन आप NDTV देख लीजिए, आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। हम आज आपको रवीश कुमार के एजेंडावादी पत्रकारिता की मिसाल देती एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने एक शख्स की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप शाहरुख को जानते हैं? तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मोहम्मद शाहरुख ही है। शाहरुख ने 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानी थी और लगातार इधर उधर 8 राउंड फायरिंग की थी। अब चूंकि देश में रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम जैसे शब्दों का खुला जिक्र होने लगा है, इसके बारे में लोग बात करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे कुछ लोगों को बुरा तो लगेगा ही। इसलिए अब एक धड़ा ऐसा एक्टिव हो गया है जो देश भर में हुई हर घटना के लिए हिंदुओं को आतंकी और दोषी दिखाने का स्वांग रचता है, ढोंग रचता है, ताकि रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम जैसे शब्दों पर ये कहते हुए मरहम लगाया जा सके कि उन्हें बदनाम करने की यह साजिश है और असली गुनहगार तो हिंदू ही हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेसी नेता सुशील कुमार सिंधे ने भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़कर की थी। बाद में दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हिंदू धर्म में रेडिकलाइजेशन जैसे शब्दों का यूज कर चुके हैं और आज का आलम तो ये है कि कई मीडिया वाले भी पीछे नहीं हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस पूरी खबर के एजेंडे को आसानी से समझ सकें। खैर, अब लौटते हैं खबर पर। दिल्ली में गोली चली तो कुछ टाइम बाद ही ये निकल के सामने आ गया कि गोली चलाने वाले का नाम शाहरुख है। यूं तो रवीश जी टीवी में बैठ के देश के युवाओं से इस तरह की हिंसा ना करने की अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस घटना में भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल ढूंढ लिया। बात बात पे स्क्रीन काली करके विरोध जताने वाले आदरणीय रवीश जी शाहरुख के बचाव में आगे आए और अपने प्राइम टाइम शो में शाहरुख को अनुराग मिश्रा बताना शुरू कर दिया। अपने प्राइम टाइम शो में रवीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस कह रही है वो शाहरुख है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। आप ये क्लिप देख लीजिए एक बार। तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा। मैंने वैसे तो रवीश जी को सोशल मीडिया झूठ का अड्डा लगता है, पर अपने एजेंडे के फेर में उन्होंने इस पर यकीन करना इस दफा मुनासिब समझ लिया और शाहरुख को कह दिया अनुराग मिश्रा। यूं तो वो अपने चैनल वालों को बोलकर इसका फैक्ट चेक करा सकते थे, लेकिन चूंकि इससे सच बाहर आने का खतरा पैदा हो जाता, इसलिए उन्होंने शाहरुख को अनुराग दिखाने में ही चतुराई दिखाई। आदरणीय रवीश जी ने अपने विचारों को ही ये कहकर हम सब के बीच में परोसना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया पर शाहरुख को अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। ये सब उन्होंने क्यों कहा? ताकि अगर कल कोई बात हो जाए तो वो ये कहकर बच निकले कि उन्होंने तो खबर जो थी वो सोशल मीडिया पर पढ़ी थी। अब जिस व्यक्ति को सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल का ही कब्जा नजर आता हो, आखिर वो इतनी आसानी से इस पर यकीन कैसे कर गया, ये बड़ा सवाल है। खैर, अपने आप को फेक खबरों के खिलाफ बताने वाले रवीश जी का झूठ जब पकड़ा गया और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो उनके चैनल की तरफ से कहा गया कि रवीश की क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुई है और उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बाकी जो सच्चाई थी वो तो छिपी नहीं है किसी से, आप एक बार और देख लीजिए क्लिप। तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा। कोई बात नहीं, वैसे चोर थोड़ी ना कभी अपने आप को चोर बताता है। रवीश जी ने बताया, उनके चैनल ने बताया। अब आपको बताते हैं कि आदरणीय रवीश जी की एक फेक न्यूज की वजह से उस बंदे अनुराग मिश्रा की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ रहा है जिसका फोटो यूज करके उसे दिल्ली हिंसा में गोली चलाने वाला बताया गया। अनुराग मिश्रा नाम का शख्स कानपुर का रहने वाला है और मुंबई में एक्टिंग करता है। एजेंडा चलाने वाले लोगों द्वारा जब उनका फोटो लगाकर उन्हें दिल्ली हिंसा का जिम्मेदार बताया गया तो उन्हें मिलने वाला काम कम हो गया। होते भी क्यों ना, अब भले उन्होंने कुछ ना किया हो, लेकिन NDTV जैसे संस्थानों ने भी जाने अनजाने ही सही पर उन्हें ही दिल्ली हिंसा का जिम्मेदार बतला दिया। अब ऐसा कौन ही होगा जो किसी विवादित बंदे को काम देगा? अनुराग मिश्रा जो हैं वो एक्टिंग के क्षेत्र में अपने पांव जमाने की भी कोशिश कर रहे हैं
और इस तरह की घटना में उनका फोटो यूज किए जाने की वजह से उनका जो करियर है वो शुरू होने से पहले ही खत्म होने की तरफ बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से अनुराग को फोन और व्हाट्सएप पे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। लोग मीडिया में देखने के बाद अभिनेता अनुराग को ही शाहरुख समझ रहे हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि इसका खुलासा खुद अनुराग कर चुके हैं। माना शाहरुख और अनुराग के जो चेहरे थे वो कुछ हद तक मिलते थे, लेकिन जो NDTV अपने आप को सच की तह तक जाने की बात करता हो वो अनुराग और शाहरुख में फर्क ही नहीं कर पाया, ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। रवीश जी को समझना चाहिए कि उनकी वजह से एक बंदे की जिंदगी खराब हुई है, तो उनका जो फर्ज है वो इतना तो बनता है कि कम से कम एक बार तो सबके सामने आए और फेक खबर फैलाने को लेकर मुआफ़ी मांगे। पर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इससे जो हुआ है ना वो असल में यही तो चाहते थे। अब किसी का करियर बर्बाद हो या ना हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर रवीश जी की पत्रकारिता के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे थे ललित और मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखे इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।